हाय फ्रेंड्स, मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ आप सीखते हैं अकाउंट्स विद टैली। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डाटा को ईमेल करना। आइए हम टैली ERP 9 ओपन करते हैं और यहाँ से आएंगे डिस्प्ले पे एंड यहाँ हाईलाइट वर्ड कीबोर्ड से डी प्रेस करेंगे या फिर इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से हम आएंगे अकाउंट्स बुक पे और हाईलाइट वर्ड कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे या फिर इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से आएंगे लेजर पे एंड इंटर प्रेस और हम यहाँ लिस्ट ऑफ ग्रुप में से लेजर्स का नाम सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि हम किसी लेजर्स के डाटा को ईमेल करना चाहते हैं तो हम उस डाटा को लेजर्स नेम, जैसे कि हमने सेलेक्ट किया, जैसे हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं कंप्यूटर प्लाजा को एंड हम इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे और उसका नाम सेलेक्ट करने के बाद हम जिस डेट की हमें ईमेल सेंड करनी हो वो डेट हम ले लेंगे। जैसे हम F2 Alt के साथ F2 प्रेस करेंगे और यहाँ से एक तारीख से लेकर दो तारीख की जो जो कंप्यूटर प्लाजा में एंट्री हुई है हमें उसे सेंड करना और हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आ गया डेट और अब इस दोनों एंट्री को हम ईमेल करेंगे। तो हम यहाँ से या तो Alt के साथ कीबोर्ड पे M प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे आके हम एम ईमेल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास मेलिंग लेजर्स का बॉक्स ओपन होता है। हम यहाँ बैक स्पेस से ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम ईमेल सर्वर, जिस पे हमारा ईमेल आईडी हो उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और किसी और जगह पे ईमेल आईडी है तो हम यूजर टू डिफाइन सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हम जीमेल सेलेक्ट कर ले एंड इंटर प्रेस करें और यूज SSL सेलेक्ट यस इफ यू यूजिंग SMPT सर्वर, तो इसे हम यस रहने दें एंड हम इंटर प्रेस करके अब फॉर्म, जैसे किस कंपनी का हम एड्रेस ईमेल करना चाहते हैं, किस कंपनी की एंट्री को हम या डाटा को ईमेल करना चाहते हैं, तो वो कंपनी हमने सेलेक्ट कर लिया एंड जिस ईमेल आईडी से ये डाटा ईमेल हो रहा है उसे हम यहाँ लिख लेंगे और इंटर प्रेस करके हम यहाँ फॉर्मेट फाइल, जैसे हमने बना लिया PDF से हम इसे सेंड करेंगे। फॉर्मेट पेज साइज ले लिया, पेज ओरिएंटेशन ले लिया। अब इस टू साइड में हम उस मेलिंग्स की डिटेल्स देंगे जिसे हम ये डाटा मेल कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे किसी का नाम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, यहाँ पे हम जिसे वो मेल कर रहे हैं उसकी हम ईमेल आईडी ले लें। तो यहाँ से हम आएंगे न्यू एड्रेस पे, इंटर प्रेस करेंगे हमने ले ली जीमेल जिसे हम ये मेल डाटा मेल कर रहे हैं और CC2 इफ एनी में, अगर हमने किसी और को भी ये मेल डाटा भेजना है तो इसे हम न्यू एड्रेस सेलेक्ट करके नया ईमेल डाल सकते हैं या फिर ये एक ही को भेजना है तो हम यहाँ नॉन रहने देंगे। अगर एक से ज़्यादा को ये मेल भेजना है हमें तो न्यू एड्रेस करके सारी की
ईमेल आईडी डालेंगे, तो यहाँ हम नॉन ले लें क्योंकि हम एक ही को मेल कर रहे हैं ये डाटा। और सब्जेक्ट जो होगा वो आ जाएगा खुद ब खुद, जैसे कंप्यूटर प्लाजा का लेजर था तो आ गया। अब यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, अब यहाँ पे आ जाएगा एडिशनल टैक्स। अगर सब्जेक्ट के अलावा भी हम यहाँ पे कोई और डिटेल्स डाल सकते हैं कि हम जैसे कंप्यूटर प्लाजा में हम परचेज रिसिप्ट की डाटा मेल कर रहे हैं, तो हमने उसे वहाँ लिख दिया। एंड हम यहाँ से आएंगे अकाउंटिंग वाउचर पीडीएफ में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेजर पीडीएफ, क्योंकि हम लेजर्स को सेंड कर रहे हैं। हम इंटर प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पे हम ले लेंगे नॉर्मल लेजर, और यहाँ से आएंगे ऑल वाउचर्स पे, फॉर्मेट में हम ले लेंगे डिटेल, क्योंकि हम डिटेल बाय कंपनी की लेजर्स को हम मेल कर रहे हैं। और अब हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ये सारी डिटेल्स हमें डालनी है तो डालेंगे, जैसे शो बिल वाइज बिल डिटेल्स कंपनी की है तो वो डालेंगे, कॉस्ट सेंटर में जो डिटेल्स है उसको डाल सकते हैं, शो इन्वेंट्री डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, शो वाउचर नंबर्स ऑल्सो, शो नरेशन, शो रनिंग बैलेंस। तो ये सब अगर हम किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो हमें उस प्रोजेक्ट पे दिया होता है। यहाँ हम एग्जांपल के तौर पे बना रहे हैं, एंड देन हम इसे एक्सेप्ट कर लें। इस तरह से लेजर्स वाउचर्स को मेल किया जा सकता है। अगर हमारा ईमेल एड्रेस सही होगा तो यहाँ पे ये डाटा वाउचर्स मेल हो गया, एंड देन हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपने सीखा किसी भी लेजर्स को मेल करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, या फिर आप हमारी DVD परचेज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.iptindia.com पर लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।